Yeah, I will discuss about these insect biting and stings. Okay, इसमें हम discuss करेंगे definition, types, sign of symptoms, treatment, casualty care, ये सारी चीजों के बारे में हम क्या करेंगे आज discuss करेंगे. तो first ही हम देखते हैं definition. ठीक है, तो insect stings, spider bites and scorpion stings are typical sources of injected poison or toxic substance produced by animal or plants that are poisons to human. Venom is a term for a toxin produced by some animals such as snake, spider and certain marine life form. ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है कि जो इंसेक्ट होते हैं, ठीक है, इंसेक्ट हो गए, स्पाइडर है, स्कॉर्पियन है, एनिमल, प्लांट्स एंड जितने भी टॉक्सिक सब्सटेंस हैं, ठीक है, जब ये सारी चीजों को हम लोग क्या करते हैं अपनी हम अपने यूज करते हैं, मतलब कि ये जो सारी चीजें होती हैं, जैसे कि बोलना चाहिए आपको क्या हो गया, जैसे कि आपका स्टिंग्स, ठीक है, इंसेक्ट हो गया, कोई भी अगर ऐसे कीड़े हैं, ऐसे कीट हैं जो हमारे लिए क्या हो सकता है, हार्मफुल हो सकता है, ठीक है, स्पाइडर्स हो गए, स्नेक हैं, ठीक है, कुछ प्लांट्स भी होते हैं, कुछ प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, ये सारी चीजें क्या करती हैं, ये टॉक्सिसिटीज को क्या करती हैं, प्रोड्यूस करती हैं, ठीक है, कुछ ऐसे सब्सटेंस भी होते हैं जिसे हम लोग क्या करते हैं, लेते हैं, तो वो भी क्या क्या होता है, हमारे लिए हार्मफुल होता है, वो हमारे बॉडी में जाकर क्या करता है, पॉइजन कवर करता है, ठीक है. तो ये क्या हुआ आपका डेफिनेशन, ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है, कुछ ऐसे एनिमल, इंसेक्ट, स्कॉर्पियन, स्पाइडर एंड स्नेक एंड प्लांट्स एंड सब एंड क्या होना चाहिए आपका, सब्सटेंस, सब्सटेंस, टॉक्सिक सब्सटेंस, ये सारी चीजें जो होती हैं, ठीक है, ये क्या होती है, टॉक्सिसिटीज को क्या कर रही हैं, प्रोड्यूस करती हैं, ठीक है, और ये पॉइजन कुछ एनिमल और स्नेक के थ्रू भी क्या होती हैं, प्रोड्यूस होती हैं, जो हमारे लिए क्या हो सकती हैं, वो हार्मफुल हो सकती हैं, ठीक है. तो ये है आपका डेफिनेशन. हम देखते हैं कॉमन टाइप्स ऑफ इंसेक्ट, मतलब किस कॉमनली किस किस टाइप्स के इंसेक्ट होते हैं, जिसमें क्या होता है, कुछ इंसेक्ट ऐसे होते हैं जिसमें स्टिंग मतलब क्या होती है, प्रेजेंट होती हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो बाइट करते हैं, बाइट के थ्रू अपनी टॉक्सिसिटीज को क्या करती हैं, रिमूव करती हैं. तो ऐसे कुछ कॉमन टाइप्स होते हैं जिसमें से हम फर्स्ट देखते हैं वास, ठीक है, वास हो गया, हॉर्नेट्स हो गया, बीस हो गया, आंट्स, ये सारी चीजें होती हैं. वास मतलब क्या होता है, जो मतलब ततैया होता है, ठीक है, वो सारी चीजें हैं, एंड बीस मधुमक्खी एंड आंट्स चींटियां, ये सारी जो चीजें होती हैं वो क्या करती हैं, बाय बाइट के थ्रू एंड क्या करती है, स्टिंग के थ्रू, क्या स्टिंग्स के थ्रू क्या कर रही है, वो अपनी जो टॉक्सिसिटीज को क्या करती हैं, प्रोड्यूस करती हैं. और ऐसे जो बोलना चाहिए इंसेक्ट होते हैं, जो ऐसे एनिमल्स होते हैं, वो क्या करती हैं, हमारी बॉडी, हमारी स्किन में क्या करती हैं, एक पर्टिकुलर प्लेस में जाके क्या करती है, उस एरिया को लोकलाइज कर देती है, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, वहाँ पे स्वेलिंग होगा, रेडनेस होगा, इचिंग होगा, ठीक है, एम्बोलिज्म होगा, ये सारी कंडीशंस को क्या करती हैं, वो लीड करती हैं, ठीक है. देन फिर नेक्स्ट आता है, ऑल स्पाइडर आर पॉइजन्स बट मोस्ट स्पीशीज कैन नॉट गेट देयर फैंग्स थ्रू ह्यूमन स्किन, ठीक है, मतलब सभी स्पाइडर में होना चाहिए पॉइजन्स होती है, ठीक है, जितने भी स्पाइडर्स होती हैं, जो मकड़ियां होती हैं, ठीक है, वो क्या होती है, सभी इन उसमें क्या होती है, पॉइजन्स प्रेजेंट होती हैं, लेकिन कुछ स्पीसीज में, मतलब कुछ प्रजातियों में ऐसा होता है कि वो जब क्या करती है, ह्यूमन के ह्यूमन स्किन में क्या करती है, इंसर्ट करती है, तो वो क्या होता है, वो उस चीज को अपने जो स्टिंग्स होता है उसको क्या करते हैं, वो इंसर्ट नहीं कर पाती है, ठीक है, कुछ क्या करती है, इंसर्ट करती है, कुछ नहीं कर पाती है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो टॉक्सिसिटीज होती है, जो हमारे लिए क्या होती है, हार्मफुल होती है, वो क्या होती है, कुछ कुछ स्पाइडर्स के थ्रू हमारे बॉडी में चली जाती है, और कुछ के थ्रू क्या होता है, वो एरिया क्या हो जाती है, लोकलाइज हो जाती है, इचिंग होगी, स्वेलिंग होगी, ये सारी चीजें क्या होती है, प्रॉब्लम वहाँ पे क्रिएट होती है, ठीक है. फिर देन नेक्स्ट आता है, द ब्लैक विडो स्पाइडर एंड ब्राउन रिक्लूज कैन प्रोड्यूस मेडिकल इमरजेंसीज, ठीक है,
कुछ स्पाइडर्स ऐसे होते हैं जो ब्लैक कलर के होते हैं, ब्राउन कलर के होते हैं। ये क्या होती हैं कि जब ये मतलब हमारे बॉडी में क्या करती हैं, अपनी स्किन्स को या फिर बाइट्स के थ्रू क्या करती हैं, ये हमारे जो जो टॉक्सिसिटीज है उसको क्या करती है, जब प्रोड्यूस करती हैं, ठीक है, जब उसके अंदर क्या कर देती है, इंसर्ट कर देती है, तो उस कंडीशन में क्या करती है, एक मेडिकल इमरजेंसी कंडीशन को क्या कर देती है, ये लीड होती है। मतलब कि ऐसे स्पाइडर्स हमारे लिए क्या होती है, बहुत ज्यादा ही डेंजरस होती है, ठीक है। जल्दी नेक्स्ट आता है आपका पेशेंट असेसमेंट, ठीक है। देखते हैं पेशेंट, अगर ऐसी कंडीशन लीड होती है कोई पेशेंट के साथ, अगर कोई ऐसा एनिमल्स है जो बाइट कर दिया, या फिर कुछ ऐसे इंसेक्ट है जो जो अपने स्किन्स के थ्रू क्या किया वहां पे, मतलब इंसर्ट किया अपने स्किन्स, क्या कर हमारी स्किन में क्या कर रहा है वो, इंसर्ट किया, तो उस कंडीशंस में हमको मतलब क्या क्या करना चाहिए। अगर हमें नॉलेज में है कि ये इंसेक्ट ने हमें बाइट किया, या फिर इस एनिमल ने हमें बाइट किया, तो ट्रीटमेंट के लिए क्या होती है, हमको इजली मतलब थोड़ा सा क्या हो जाता है, इजली जाता है। लेकिन अगर हमको ये जो होना चाहिए रीजन से, अगर हमारे लिए क्या है अननोन है, अगर ये कॉजेस हमारे लिए क्या है अननोन है, तो उस कंडीशन को क्या करना है, फर्स्टली तो क्या करना है, डायरेक्टली डिसीजंस लेकर हमको क्या करना है, मेडिकल्स इमरजेंसीज को क्या करना है, हमको कॉल करना है और तुरंत डॉक्टर एडवाइस करना है, डॉक्टर के पास जाना है, ठीक है। देन क्या करना है, हमको पेशेंट की क्या करना है, हमको हिस्ट्री लेना है, कॉल हिस्ट्री लेना है, उसके बाद फिजिकल एग्जामिनेशन करना है, ठीक है, फिजिकल एग्जामिनेशन करना है, जिसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, उसके बारे में क्या कर सकते हैं, फुल नॉलेज रख सकते हैं, ठीक है। और हमको क्या करनी है, अपनी स्टैंडर्ड से, हमको अपने स्टैंडर्ड से और क्या बोले, अपनी नॉलेज के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। देन फिर हमको क्या करना है, अब सिम्टम्स देखते हैं, ठीक है। साइन एंड सिम्टम्स, साइन एंड सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं, अगर कोई ऐसा इंसेक्ट या कोई ऐसा एनिमल्स हमारे बॉडी में क्या कर रहा है, अटैक कर रहा है, तो उस कंडीशन में क्या क्या सिम्टम्स शो होंगे, तो फर्स्टली तो हम देखते हैं क्या होगा, अल्टर्ड स्टेट्स ऑफ अवेयरनेस, हमको क्या करना है, ऐसी कंडीशन को क्या करना है, अवेयरनेस रहना है, ठीक है। अगर ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन हो तो हमको तुरंत क्या करना है, अगर हमको वो कॉजेस के बारे में पता नहीं है, अननोन है हमारे लिए, तो उस कंडीशन को फाइनली क्या करना है, अलर्ट रहना है और तुरंत इमरजेंसी कॉल को, इमरजेंसी में कॉल करके तुरंत डॉक्टर्स के पास क्या करना है, हमको डॉक्टर्स के पास जाके अपने ट्रीटमेंट को कंटिन्यू करना है, ठीक है। उसके बाद फिर लोकलाइज्ड पेन और इचिंग, किस मतलब प्लेस में वो क्या कर रहा है, वो उसको बाइट किया है, तो वहां पे क्या हो जाएगी, वो ये क्या हो जाएगी, लोकलाइज हो जाएगी, देन क्या होगा, इचिंग होगा और पेन होगा, ठीक है। देन फिर क्या होगा, रेडनेस होगा उस एरिया में, क्या हो जाएगा, रेडनेस होगा, स्वेलिंग और ब्लिस्टरिंग, ठीक है, वो एरिया क्या हो जाएगी, बहुत ज्यादा ही क्या हो जाएगी, स्वेलिंग हो जाएगी, हार्डनेस हो जाएगी, ठीक है, वीकनेस और कोलैप्स, हमारा जो होना चाहिए हमको क्या होगा, बहुत ज्यादा ही वीकनेस फील होने लगेगा। देन डिफिकल्टी ब्रीदिंग एंड एबनॉर्मल पल्स रेट, जो हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम हो जाएगी बहुत ज्यादा स्लो हो जाएगी, जिसकी वजह से हमको क्या होने लगेगी, ब्रीदिंग लेने में प्रॉब्लम जाएगी। देन फिर क्या होगा कि हमारा जो पल्स रेट है वो भी क्या हो जाएगा, धीरे धीरे स्लो होने लगेगा, डिक्रीज होने लगेगा, ठीक है। देन हेडेक एंड डिजीनेस, हम लोग क्या होगा, हेडेक होगा और डिजीनेस फील होगा। देन चिल्स, फीवर, नोजिया एंड वॉमिटिंग, नोजिया एंड वॉमिटिंग होने के चांसेस हो सकते हैं। मसल्स क्रैम्प, हमारे मसल्स में क्या होगी, क्रैम्पिंग आने स्टार्ट हो जाएगी। चेस्ट टाइटनेस, हमारा चेस्ट क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा ही सफोकेटेड टाइटनेस होगा, ठीक है। देन फिर क्या होगा, ज्वाइंट पेन, हमारे जो ज्वाइंट्स होते हैं वो क्या होने लगेंगे, पेन होने लगेंगे। एक्सेसिव सलाइवा फॉर्मेशन, हमारे माउथ से क्या होगा, एक्सेसिव अमाउंट में क्या हो जाएगा, वो सलाइवा सेक्रेशन होगा। देन क्या होगा, स्वेटिंग होगी, ठीक है। ये सारी कंडीशन हमारे क्या होगी, अगर कोई इंसेक्ट या फिर अगर कोई एनिमल हमको बाइट करता है, तो उस कंडीशन में ये सारी चीजें से हमको क्या करेंगे, ये जितने भी सिम्टम्स हैं वो शो करेंगे, ठीक है। अब देखते हैं कैजुअलिटी की, ठीक है, कि अगर पेशेंट मतलब ऐसी कोई कंडीशन, ऐसी कोई सिचुएशन आती है, तो हमको क्या क्या कैजुअलिटी केयर प्रोवाइड करनी चाहिए। तो फर्स्टली देखिए, इफ द कॉजेस ऑफ द बाइट और स्टिंग इज अननोन और द ऑर्गेनिज्म इज अननोन, द पेशेंट शुड बी सीन बाय अ फिजिशियन। मतलब क्या बोल रहा है कि अगर कोई एनिमल्स हमको क्या किया है, वो बाइट किया है या स्टिंग किया है, तो उस कंडीशन में क्या करना है कि हम अगर वो हमारे लिए क्या है अननोन है, ठीक है, अगर वो कॉजेस हमारे लिए क्या अननोन है और वो एनिमल भी हमारे लिए अननोन है, तो उस कंडीशन में हमको क्या करना है, डायरेक्टली क्या करना है, तुरंत हमको इमिडिएटली क्या करना है, डिसीजन लेके हमको फिजिशियंस के पास हमको क्या करना है, जाना है,
ठीक है। देन नेक्स्ट आता है कॉल दी मेडिकल डायरेक्शन एंड लेट एक्सपर्ट डिसाइड ऑन दी प्रॉपर ट्रीटमेंट फॉर दी पेशेंट। हमको क्या करना है, डायरेक्टली हमको इमरजेंसी कॉल करके क्या कर सकते हैं, डिसाइड करना है कि हमको तुरंत डॉक्टर के पास लेके जाना है और प्रॉपरली तरीके से उसका क्या हो सके, ट्रीटमेंट मिल सके, ठीक है। जिसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, उस पेशेंट को उस सिचुएशन से, उस प्रॉब्लम से हम क्या कर सकते हैं, उसे जल्दी रिलीफ हो सके, ठीक है। देन फिर आता है आपका इफ पॉसिबल ट्रांसपोर्ट दिस स्टिकिंग ऑब्जेक्ट और ऑर्गेनिज्म इन अ स्लेट कंटेनर, ठीक है। इसमें क्या करना है, यदि हमें उस पेशेंट में, ठीक है, यदि हमें क्या कर रहा है, उस पेशेंट में स्टिकिंग ऑब्जेक्ट या फिर जो एनिमल्स है उस जो मतलब कट किया है, ठीक है, या फिर स्टिकिंग्स है उसको क्या करना है, रिमूव ऑफ करके, या फिर जो भी एनिमल्स है अगर हम उसको क्या कर देते हैं, वहीं पर ही क्या कर देते हैं, उसको किल कर दे रहे हैं, तो उस कंडीशन में क्या करना है, उसके स्टिकिंग्स को या फिर बोलना चाहिए उसके जो बॉडी जो भी एनिमल्स है उसको क्या करना है, एक कंटेनर में हमको कलेक्ट करके क्या करना है, हमको हॉस्पिटल से लेके जाना है, ताकि फाइंड आउट हो सके कि आखिर हमको किस इंसेक्ट ने काटा है, कितना उसमें पॉइसन था, ये सारी चीजों के बारे में हमको क्या कर सके, वो नॉलेज हो सके। तो ये सब चीजों के बारे में हमको क्या करना है, अवेयर होना है। देन फिर हम और फाइनली हम लोग क्या कर सकते हैं, एक डिसीजन लेकर हम उसका ट्रीटमेंट इमिडिएटली स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। देन फिर नेक्स्ट आता है आपका फर्स्ट एड। फर्स्ट एड ट्रीटमेंट क्या क्या प्रोवाइड करेंगे, तो फर्स्ट एड क्या है, ट्रीट दी शॉक इवन इन दी एब्सेंस ऑफ साइन ऑफ शॉक। जब कोई किसी पेशेंट को अगर किसी एनिमल्स ने कट कर दिया या बाइट कर दिया, तो उस कंडीशन में क्या क्या होता है कि वो पेशेंट शॉक हो जाता है, ठीक है। तो उसको हमको फाइनली क्या करना है, स्टार्टिंग में हमको क्या करना है, उसे साइकोलॉजिकली सपोर्ट प्रोवाइड करना है, ठीक है। देन फिर नेक्स्ट आता है कॉल दी मेडिकल असिस्टेंट इन द केस ऑफ अननोन ऑर्गेनिज्म स्किप दी स्टेप, ठीक है। अब हमको क्या करना है कि मेडिकल क्या करना है, हमको मेडिकल अगर वो हाँ सॉरी इसमें क्या बोल रहा है, कॉल दी मेडिकल असिस्टेंट, हमको क्या करना है, तुरंत ही मेडिकल असिस्टेंट को क्या करना है, कॉल करना है, ठीक है। उसके साथ क्या करना है, अगर अननोन एनिमल्स के बारे में हमको उस टाइम पे क्या करना है कि अगर बहुत ज्यादा ही डेंजरस सिचुएशन वहां पे क्रिएट हो रहा है, अगर उस पेशेंट को कुछ जरूरत से ज्यादा ही प्रॉब्लम हो रही है, तो उस टाइम पे क्या करना है, हमको जो भी मतलब हमारे लिए जो रीजन है, जिस किस रीजन से या किस इंसेक्ट ने या फिर किस एनिमल से उससे बैठ गए, उस चीज को वहीं पर स्किप कर देना है। सबसे पहले हमको क्या करना है, उस पेशेंट को हॉस्पिटल के लिए रेफर करना है, ठीक है। सके फिर आता है आपका, फिर नेक्स्ट है To remove the stinger on venom shack, the traditional advice is to scrap the bite with a blade or a cut and to avoid pulling with pins, which might squeeze more venom into the wound. अब इसमें क्या करना है कि जहां पर भी क्या हुआ है हमको वो बाइट क्या या फिर स्टिकिंग है, तो उस कंडीशन में हमको क्या करना है कि उस एरिया में बाय द वे अगर मान लेते हैं कि अगर ये हमारा क्या है ताकि क्या कर सके हम जो भी जो उसका पॉइजन है वो हमारे बॉडी में ना आके वो क्या हो सके पूरी तरीके से बाहर रिमूव आउट हो सके, ठीक है। फिर आता है आपका रिमूव ज्वेलरी from affected limbs in case the limbs swell, which would make removal more difficult later. अब इसमें क्या कर रहा है कि अगर हमको यहाँ पे क्या किया किसी इंसेक्ट ने या किसी एनिमल ने, जब हमको यहाँ क्या कर रहा है, हमको बाइट कर रहा है या फिर उसका स्टिकिंग क्या हो रहा है हमारे बॉडी में इंसर्ट हो चुका है, तो उसका लिए हमको क्या करना है कि जो अगर यहाँ पे हमको क्या कर रहे हमारे पैर में या फिर हमारे हाथ में अगर क्या किया वो कट किया है, तो उसके लिए हम जो भी हम ज्वेलरी वगैरह पहने हैं तो हमको क्या करना है, तुरंत रिमूव आउट करना है, ताकि अगर वो स्वेलिंग या फिर पेन या फिर टेंडरनेस की ऐसे सिम्टम्स शो कर रहा है तो क्या हो सके जल्दी से मतलब ठीक होने में क्या हो सके हेल्प हो सके। लेकिन अगर हम वो ज्वेलरी को रिमूव आउट नहीं करेंगे तो क्या होगा, वो और ज्यादा इम्बोलाइज होगा और क्या हो सकता है, वो स्वेल हो सकती है, पेन होगा। तो ये सारी चीजों जब हमारी कंडीशन डील होती तो हमको क्या करना है कि अगर हम कोई भी ज्वेलरी वगैरह हम लिए हैं या पहने हुए हैं तो उस कंडीशन को क्या करना, उसे रिमूव आउट कर देना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है इफ लोकल प्रोटोकॉल परमिट्स एंड इज इफ द वुंड इज ऑन अ एक्सट्रीमिटी प्लेस कॉन्स्ट्रिक्ट बैंड अबव
एंड बिलो द स्ट्रिंग और बाइट साइड। ठीक है, अब हमको क्या करना है कि यदि अगर बोलना चाहिए हमारे बॉडी में जो पॉइजन है वो अगर रैपिडली क्या कर रहा है, वो स्प्रेड हो रहा है, तो उस कंडीशन को क्या करना है कि एक कॉन्स्ट्रक्टिंग बैंड जो होता है उसको हमको क्या करना है, उसे अच्छी तरीके से उसको बाइंड कर देना है। ठीक है, जैसे कि रबर बैंड हो गया या फिर कोई रोप हो गया, तो उसको हमको क्या करना है, उसको हम जिस पार्ट पे काटा है, जिस लेग में या बॉडी के जिस पार्ट में काटा है, तो उसके 2 इंचेस से 3 इंचेस हमको क्या करना है, अपर साइड। अगर हमको यहाँ पे कट किया है तो हमको क्या करना है, जैसे कि बॉडी पार्ट है ये यहाँ पर अगर हम काट के कट किया तो हमको क्या करना है, उससे 2-3 इंच हमको क्या करना है, एक कंस्ट्रक्टिंग बैंड से उसको बाइंड कर देना है, ताकि जो होना चाहिए हमारे लिम्फेटिक वेसल्स होते हैं या फिर जो सुपरफिशियल वेन होता है उसमें जो पॉइजन उसने क्या किया, इंसर्ट किया है, वो क्या होता है, रैपिडली तरीके से वो स्प्रेड होने लगता है। तो जब हम उसको बैंड कर देंगे, कॉन्स्ट्रक्टिंग बैंड, जब हम उसको बैंड कर देंगे, तो उस कंडीशन में जो पॉइजन है वो क्या होगा, हमारे वुंड फॉर्म कर देना है, ताकि जितना भी उसका पॉइजन है वो हमारे बॉडी से क्या हो सके, बाहर रिमूव आउट हो सके। ठीक है, देन नेक्स्ट है आता है, कीप द लिंफ निम्बोलाइज एंड द पेशेंट स्टील टू प्रिवेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पॉइजन टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। अब इसमें क्या करना है, अगर हमारी बॉडी ने यहाँ पे क्या कर रहा है, अगर वो किसी एनिमल्स ने बाइट किया या इंसेक्ट ने अपना स्टिकिंग को उसके अंदर इंस्टॉल किया है, तो उस कंडीशन में क्या करना है हमको कि जो पॉइजन से, ठीक है, जो क्या कर रहा है, जो हमारे बॉडी में क्या हो रहा है, रैपिडली तरीके से स्प्रेड हो रहा है, तो ये सारा ट्रीटमेंट करने के बाद हमको अपने जो बॉडी है उसको मूवमेंट नहीं करना, हमको उसको क्या करना, स्टील करना है, ताकि क्या हो सके, अगर वो मूवमेंट करेंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा कि हमारा जो जो पॉइजन हमारे बॉडी में इंसर्ट हो वो क्या करेगा, होल बॉडी में सर्कुलेट होकर हमारे लिए डेथ का कारण भी बन सकता है। तो ये था आपका इंसेक्ट बाइट साइंस, जिसमें हमने देखा डेफिनेशन, रिपीट रिवाइज थी होल टॉपिक्स, जिसमें हमने देखा डेफिनेशन, उसमें क्या बोला कि जो भी इंसेक्ट होते हैं, स्पाइडर, जैसे कि स्पाइडर हो गए, ठीक है, स्कॉर्पियो हो गए, स्कॉर्पियन हो गए, ठीक है, देन फिर क्या होता है आपका कुछ टॉक्सिसिटीज सब्सटेंस हो गए, ठीक है, और ये देन आपका इंजेक्टेड पॉइजन्स हो गई, ये सारी चीजें क्या होती हैं, ये जो सब्सटेंस होते हैं वो क्या करती है, एक पॉइजन को प्रोड्यूस करती हैं, ठीक है, प्रोड्यूस करने के साथ साथ क्या करती है, ये हमारे बॉडी में क्या होता है, हार्मफुल होता है। ठीक है, जब ये चीजें हमारे क्या कर रही है, हमारे बॉडी में इंसर्ट हो रही है, अगर स्कॉर्पियन हो गया, ठीक है, मतलब कि बिच्छू हो गया, अगर वो काटती है तो उस कंडीशन क्या करता है, उसका जो पॉइजन होता है वो हमारे बॉडी में क्या होने लगता है, स्प्रेड होने लगता है, और बहुत ज्यादा सीवियर कंडीशन क्या करती है, वो लीड करने लगती है। ठीक है, जैसे इंसेक्ट हो गया, इसमें वास्प हो गया, ठीक है, देन फिर आपका क्या है, स्पाइडर हो गया, स्पाइडर भी बहुत ज्यादा क्या होती है, हमारे लिए डेंजरस साबित हो सकती है, क्योंकि जो ब्लैक और ब्राउन कलर की जो होती है, ठीक है, वो सीधे क्या करती है, मेडिकल कंडीशंस को क्या कर रही है, वो लीड करती है। ठीक है, कुछ एनिमल्स या कुछ प्लांट्स भी क्या करती हैं, टॉक्सिसिटीज को क्या कर रही है, प्रोड्यूस करती है। ठीक है, जैसे कि हम प्लांट्स में अगर हम देखते हैं कि धतूरा हो गया, वो उसमें क्या होता है, बहुत ज्यादा ही पॉइजन होता है, अगर उसे हम अगर लेते हैं तो वो भी हमारे लिए क्या करता है, हार्मफुल होता है, हमारे बॉडी के लिए बहुत ज्यादा ही हार्मफुल होता है, और साथ में क्या कर रहा है कि जो 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 सब्सटेंस होता है, ठीक है, जो फूड सब्सटेंस होता है, जो लॉन्ग टाइम के लिए रखा होता है, उसमें भी बैक्टीरिया ग्रोथ करती है, और जब उसी फूड को हम लेते हैं तो वो भी हमारे लिए क्या हो सकता है, टॉक्सिसिटीज को क्रिएट, टॉक्सिसिटी को स्टिमुलेट करके हमारे बॉडी में क्या हो सकती है, पॉइजन को लीक कर सकती है। ठीक है, जिसकी वजह से हमको फूड पॉइजनिंग होने के चांसेस भी हो सकते हैं, और अदर डिजीज होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो देन फिर आते हैं आपका कॉमन टाइप्स ऑफ इंसेक्ट, इंसेक्ट के बहुत सारे मतलब टाइप्स होते हैं, जैसे कि वास्प हो गया, ठीक है, देन फिर क्या है आपका बीस हो गया, ठीक है, बीस और मधुमक्खी, आंट्स, स्पाइडर्स, ये सारे चीजें क्या होती हैं, हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल होती है, जब ये क्या करती हैं, अपने जो स्टिकिंग मतलब डंक को हमारे बॉडी के अंदर, हमारे स्किन के अंदर क्या कर देती हैं, वो इंसर्ट करती हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है, हमारे जो इस पार्ट पे किया है तो वो क्या हो रहा है, लोकलाइज होगा, पेन होगा, रेडनेस होगा, इचिंग होगा, ठीक है, तो मसल्स क्रैम्प्स होंगे,
ये सारे सिचुएशंस को क्या करेगी, वो क्रिएट करती है। ठीक है, देन हम देखते हैं असेसमेंट। जब ऐसी कोई कंडीशन वाला पेशेंट हमारे पास आता है तो हमको क्या करना है, हमको अपने स्ट्रॉन्ग और एंड केयरफुली और क्या करना है, हमको अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग एक अंडरस्टैंडिंग दिखाते हुए हमको क्या करना है, उस पेशेंट का पूरी तरीके से होल हिस्ट्री लेना है, फुल एग्जामिनेशन करना है एंड उसका ट्रीटमेंट हमको इमिडिएटली प्रोवाइड करना है। ठीक है, देन फिर क्या आता है आपका साइन सिम्टम्स, जो कि मैंने बताया कि क्या क्या हो सकता है, फीवर, वॉमिटिंग, नोजिया, ठीक है, देन आप इचिंग, मसल्स क्रैम्स, ये सारी सिचुएशंस क्या होंगी, क्रिएट होंगी। देन क्या आता है कैजुअल्टी केयर, कैजुअल्टी केयर में हमको क्या करना है, फर्स्टली तो इमरजेंसी में कॉल करना है, ठीक है, साथ में हमको क्या करना है, इमिडिएटली डिसीजन लेके उस पेशेंट के लिए क्या करना है, हमको ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना है। फर्स्ट एड ट्रीटमेंट में हम लोग क्या क्या प्रोवाइड करेंगे, तो सबसे पहले क्या होना है कि अगर कोई पेशेंट को होता है तो उसको साइकोलॉजिकली सपोर्ट प्रोवाइड करना है, साथ में उनके क्या करना है कि जिस एनिमल्स ने उसे बाइट किया या फिर जिस इंसेक्ट ने उसे क्या किया, बाइट किया है, तो उस कंडीशन में हमको क्या करना है कि अगर वो हमारे लिए अननोन है तो हमको क्या करना, तो उस जो भी मतलब हमको क्या करा, वो इंसेक्ट ने हमको बाइट किया तो उस को स्किप करके हमको उस पेशेंट को तुरंत ही क्या करना है, फिजिशियन के पास लेकर जाना है। ठीक है, देन फिर आता है जो भी पॉइजन होता है हमारे बॉडी में, ठीक है, पॉइजन को रिमूव करने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना है, जिस पार्ट में उसमें उसका स्किन क्या इंसर्ट हुआ है या फिर जो उसने बाइट किया पॉइजन हमारे अंदर गया है, तो उस पार्ट में हमको क्या करना है, उसको ब्लड की हेल्प से रिमूव करना, एक वुंड फॉर्म करना है, और वुंड फॉर्म करने से क्या होता है, जितने भी पॉइजन है वो क्या हो सकता है, हमारे बॉडी से बाहर हो सकता है। भी है कि ऐसी कंडीशन में हम हमको क्या करना है कि जो भी हम ज्वेलरी वगैरह पहने थे उसको रिमूव करना है, ताकि क्या हो सके कि जो स्वेलिंग वगैरह हो रही है तो उसको हम क्या कर वो कम किया जा सके। देन लास्ट आता है आपका कि अगर हमारे बॉडी में क्या हो रहा है कि जो पॉइजन होती है रैपिडली स्प्रेड हो रही है, तो उस कंडीशन में क्या करना है कि जिस पार्ट में जो इंसेक्ट है या फिर जो भी एनिमल्स हमको बाइट किया है उसे 2 या 3 इंच ऊपर हमको क्या करना, कॉन्स्ट्रक्टिंग बैंड को हमको अच्छी तरीके से टाइटली हमको क्या करना, बाइंड करना, ताकि जो भी सुपरफिशियल वेन है और क्या क्या है आपका लिम्फैटिक वेसल्स है, जिसके थ्रू क्या हो रहा है हमारा जो पॉइजन है वो क्या स्प्रेड हो रहा है, उसको क्या कर सके, कॉन्स्ट्रक्ट कर सके, कॉन्ट्रैक्ट कर मतलब कॉन्स्ट्रक्ट करके क्या कर सके, उस बुंड के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, उस पॉइजन को बाहर रिमूव आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था आपका इंसेक्ट बाइट्स एंड स्टिंग। द नेक्स्ट क्लासेस में नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, थैंक यू क्लास।